हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे ब्लूम का मूल्यांकन उपागम जो मैं आपको डीएलएड में पढ़ा रही हूँ और टीचिंग ऑफ हिंदी तो मैं ये हिंदी में ही आपको समझाऊंगी तो शुरू करते हैं अमेरिका uh, के शिक्षाविद बी एम ब्लूम ने पाठ योजना के निर्माण करने के लिए जो प्रणाली अपनाई है उसे ब्लूम उपागम के नाम से पुकारा जाता है यहाँ पे ब्लूम ने यही स्पष्ट किया है कि शिक्षण लक्ष्यों का प्रत्यक्ष संबंध सीखने के उद्देश्य से होता है और सीखने का अर्थ क्या होता है व्यवहार परिवर्तन उनके विचार में यदि शिक्षण लक्ष्यों को व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखा जाए तो वे अधिक निश्चित और स्पष्ट होंगे तब शिक्षण की शिक्षा और मूल्यांकन विधियां अधिक सुनिश्चित और स्पष्ट होगी उन्होंने व्यवहार परिवर्तन को तीन वर्गों में विभाजित किया है ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक तो इन तीनों को भी उन्होंने तथा उनके साथियों ने छ वर्गों में आगे इसको विभाजित किया है और पाठ शिक्षण लक्ष्यों को इन मानसिक योग्यताओं के आधार पर व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखने की यहाँ पे बात कही है तो ब्लूम ने शिक्षा को त्रिपदी परिक्रिया माना है यानी बी एम ब्लूम शिक्षा को त्रिपदी परिक्रिया मानते हैं, जिन्हें मूल्यांकन आयाम के सोपान भी कहते हैं ये जो तीन सोपान है वो इस प्रकार से है या तीन पद इस प्रकार से है जो मैंने आपको त्रिपदी तीन पद जो है वो आपको सामने दिखाया है तो वो क्या है शैक्षिक उद्देश्य अधिगम के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन तो कोई भी पाठ पढ़ाने से पूर्व अध्यापक को उस पाठ की पाठ्य सामग्री का विश्लेषण करके यही देखना चाहिए कि उससे किन शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति होगी और उससे सीखने वालों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा फिर इस बात को भी निश्चित करना चाहिए कि इन शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए किन विधियों युक्तियों आ, आ, का प्रयोग करना करना चाहिए तथा तो इस प्रक्रिया में वह क्या कार्य करेगा और छात्र क्या कार्य करेंगे उसे यह भी निश्चित करना चाहिए कि यह शिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन कैसे करेगा वास्तविकता तो यह है कि शिक्षण के प्रभाव का सही मापन और मूल्यांकन करने हेतु ही आ, ब्लूम महोदय ने शिक्षण लक्ष्यों को व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखने पर बल दिया था और यहाँ पे कुछ विद्वान तो इसलिए इसे क्या मानते हैं मूल्यांकन उपागम कहते हैं ब्लूम उपागम की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि इसमें क्या है शैक्षिक उद्देश्य अधिगम के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन में निप्ट का संबंध स्थापित किया जाता है अधिगम के अनुभव के अंतर्गत शिक्षण विधियों युक्तियों और प्रयोग किए जाने वाले शिक्षा उपकरणों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है अध्यापक और छात्रों की क्रिया पहले से ही सुनिश्चित कर दी जाती है अध्यापक के भटने की तो गुंजाइश ही नहीं रहती है इसमें शिक्षण के द्वारा शिक्षण के जो प्रभाव का मूल्यांकन शिक्षण के साथ साथ भी किया जाता है और शिक्षा उपरांत भी किया जाता है तो जो ये आगे आ, जो मैं आपको तीन पढ़ाऊंगी ये क्या है जो ये सामने व्यवहार परिवर्तन के तीन वर्गों में विभाजित किया गया है ज्ञानात्मक उद्देश्य भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य तो यहाँ पे जो सबसे पहले क्या है ज्ञानात्मक तो ज्ञानात्मक प्रथम ज्ञानात्मक पक्ष का वर्ग ब्लूम तथा अन्य अन्य दूसरे भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम तथा उनके सहयोगी प्रथवाल और मारिया ने तीसरे क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण हैरो, तथा हैरोपिशन ने प्रस्तुत किया है तो यहाँ पे ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्षों के उद्देश्यों को सर से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से आरंभ करके ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए छह वर्गों में विभाजित किया है तो ये वर्ग इस प्रकार से कौन कौन सा है ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन तो ये जो सबसे पहले क्या है ज्ञान नॉलेज जो है यह ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम और सबसे निम्न स्तर है क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया है कि ये क्या चलता है ये लोअर से हायर लेवल तक चलता है तो सबसे पहले ज्ञान तो मैं आपको ये एग्जाम्पल के द्वारा ही समझाऊंगी सबसे पहले क्या है ज्ञान यानी अध्यापक ने यहाँ पे क्या किया कहा बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है बच्चा तो अध्यापक ने यहाँ पे स्पोज करो कि एक स्टोरी सुनाई है कहानी सुनाई कहानी बताई उसके करेक्टर के बारे में समझाया तो जिस तरह से एक, एक कोई सी भी कहानी ले लो जैसे प्यासा कौआ तो उसे पहले तो कोई ज्ञान नहीं था बाद में क्या हुआ जब अध्यापक ने बताया तो सिर्फ उसका ज्ञान प्राप्त हुआ उसको नॉलेज प्राप्त हुई तो उसके करेक्टर के बारे में पता है तो कहानी के बारे में भी उसको पता है जब उसको पढ़ाया गया तो क्या है उसको ज्ञान प्राप्त हो गया तो दूसरा क्या है दूसरा है समझ दूसरा है समझ या बोध तो समझ का क्या मतलब है कि उसको पहले तो ज्ञान हो गया और दूसरा है वह अपने वर्ड में स्टोरी को उसने पढ़ा समझा तो अपने ही शब्दों में उसने पढ़ा उस स्टोरी को मैं ब्रीफ में आपको बता रही हूँ पढ़ा और उसको समझा यानी उसको यहां पे समझ आ गई है उसने पहले तो उसको समझाया गया है ज्ञान प्राप्त हो गया अब उसके बाद उसने अपने शब्दों में इसको पढ़ा स्टोरी को और उसको समझा तीसरा क्या है तीसरा क्या है प्रयोग करना तो प्रयोग का मतलब है इसमें आप ये भी कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर तो उसने क्या है प्रयोग के लिए ज्ञान का बोध का होना बहुत न, 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 आवश्यक होता है बोध क्या है समझ समझ का आना बहुत आवश्यक होता है पाठ्य वस्तु का प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि पहले उस वस्तु का ज्ञान व बोध होना चाहिए यह ज्ञान तथ्य सिद्धांतों विचारों नियमों प्रयोगों के प्रयोग परिक्रियाओं के प्रयोग से संबंधित है तो समझ रहे होंगे आपको या सिंपल में आपको बताती हूँ तो तीसरा क्या है उसमें क्वेश्चन आंसर भी किया जाता है जिस तरह से एक कहानी मैंने की प्यासा कौआ ठीक है मैंने आपको समझाया कि पैसा कौआ तो क्या है यहां क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं कि यह डैश था यह कौवा डैश था तो इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं तो बच्चा क्या अप्लाई करेगा प्रयोग करेगा इसका और जो चीज समझी है उसका यहाँ पे वह प्रयोग करेगा अब क्या आता है विश्लेषण विश्लेषण क्या होता है कि इस वर्ग विद्यार्थियों को तथ्य नियमों या सिद्धांतों आदि का विश्लेषण उनके संबंधों का विश्लेषण तथा उनका व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप में विश्लेषण करना होता है यानी कि, कि, कि किसी भी सिचुएशन को अलग अलग पार्टों में देखना रीजन फाइंड आउट करना और कि इसका रीजन क्या है क्या निकला इसका जो उसने पहले ज्ञान प्राप्त किया फिर समझा फिर उसने प्रयोग किया फिर क्या किया उसने विश्लेषण किया कि पार्टों में डिवाइड किया तो उसको रीजन फाइंड आउट किया ठीक है अब आता है आ, कि किस कारणों से ये हुआ है आ, तो आ, एक पार्ट में क्या है फिर दूसरे पार्ट में क्या समझा फिर तीसरे पार्ट में क्या समझा तो इस तरह से क्या किया सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने पार्टों में दे, देखना शुरू कर दिया और अब आता है संश्लेषण संश्लेषण का मतलब होता है सबको इकट्ठा देखना न्यू नॉलेज नया विचार बनता है तो यहाँ पे क्या है न्यू नॉलेज नया विचार नया बनता है इसी स्टोरी में नया कंक्लूजन करके अपने शब्दों को उसने बनाए रखा नया विचार दिया ठीक है तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अब आता है लास्ट में जो आपका बचा वो क्या है मूल्यांकन मूल्यांकन में क्या होता है कि मैंने जो किया पूरी स्टोरी में क्या निष्कर्ष निकाला या क्या निष्कर्ष निकलेगा तो ये चीज क्या था ये आपको समझ आ गया होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य अब क्या आता है भावात्मक उद्देश्य तो भावात्मक उद्देश्य का संबंध विद्यार्थियों की रुचियों मानसिक प्रवृत्तियों अभिरुचियों तथा मूल्यों के साथ होता है तो इस पक्ष का उद्देश्य यही है कि अध्यापक विद्यार्थियों में भावात्मक गुणों का ज्यादा से ज्यादा विकास करे तो विद्यार्थियों में इन गुणों का विकास इस विद्यालय में ही होना संभव है और उन्हें विद्यालयों में अमूल्य सामाजिक वातावरण में विभिन्न क्रियाओं में संलग्न के द्वारा मूल्य और भावनाओं को निश्चित आकार प्रदान किया जाता तो इसीलिए यहाँ पे ब्लूम क्रतव क्रत्व, और नए भावात्मक पक्ष को छह वर्गों में यहाँ पे विभाजित किया है तो वो कौन कौन से छह वर्ग है सबसे पहले है आग्रहण दूसरा है अनुक्रिया और तीसरा आकलन चौथा है संगठन पांचवा है मूल्य का चरित्रीकरण या विशेषीकरण ठीक है तो सबसे पहले आग्रह पर ध्यान देना ठीक है तो इसमें क्या होता है कि जो यह सबसे निम्न स्तर का उद्देश्य होता है ग्रहण करने का अर्थ होता है विद्यार्थियों की ग्रहण करने की इच्छा कि इसके द्वारा विद्यार्थियों में रुचि अभिरुचि मूल्य तथा विचारों का यहाँ पे संचार किया जाता है इस भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में तीन क्रियाओं का क्रम निहित होता है वर्ग कौन कौन से है वो आ, वो है चेतना आ, चेतना ग्रहण करने की तत्परता नियंत्रित या चेनात्मक अवधान ठीक है दूसरा है अनुक्रिया अनुक्रिया में क्या करता है कि छात्रों की अनुक्रिया के लिए अभिप्रेरित किया जाता है इसके अंतर्गत अधिक उत्प्रेरणा तथा अवधान से अवधान में अधिक नियमितता की उपेक्षा रहती यानी व्यवहारिक दृष्टि से इसे अभिरुचि कहा जाता है इससे ग्रहण करने की इच्छा भी नहीं होती है बल्कि वह सक्रिय रूप से ग्रहण भी करता है तो कौन कौन सी अनुक्रिया के प्रति सहमति अनुक्रिया की इच्छा और तीसरा है अनुक्रिया में संतोष अब आता है आकलन वैल्यूंग आकलन में क्या होता है कि इसके अंतर्गत क्रियाएं अपने दोनों वर्गों की क्रिया व उनके परिणामों पर आधारित होती है जब कोई विद्यार्थी किसी वस्तु या विचार के प्रति प्राप्त रूप से आकर्षित होकर उसके प्रति अपनी अनुक्रिया व्यक्त करता है तो उसकी यह अनुक्रिया वस्तु या विचार उतने ही मूल्यवान होते हैं, जितना कि उन्हें वह अपने प्रयोजन मूर्ति का साधन समझता है इसमें विद्यार्थी से विभिन्न विचारों घटनाओं वस्तुओं से किसी निश्चित मूल्य को प्राप्त करने की आशा की जाती है ये भी तीन प्रकार के हैं कैसे कौन कौन से किसी मूल्य की स्वीकृति दूसरा है किसी मूल्य के लिए अधिक लगाव या अभिरुचि तीसरा है प्रतिबद्धता अब जो चौथा है वह है संगठन संगठन ये क्या है इस इकाई में छात्र का व्यवहार सामान्य तथा किसी एकांक अभिवृत्ति से उत्प्रेरित न होकर अभिवृत्ति से उत्प्रेरित न होकर अभिवृत्ति समूह में होता है तो समूह में होता है ऐसे समूह के संगठित रूप को व्यवस्था या संगठन कहते हैं यानी इसमें प्रणाम स्वरूप इसके प्रणाम स्वरूप छात्र जीवन दर्शन के निर्माण की ओर अग्रसर होता है और इस संगठन में मूल्यों के आपसी संबंध को विद्यार्थी अच्छी प्रकार समझकर उनको एक ऐसी प्रणाली में गठित करता है जिससे उसका एक सशक्त चरित्र उभर कर सामने आ सके तो यह भी क्या है तीन प्रकार है मूल्यों को एक प्रणाली में संगठित करना दूसरा है मूल्य में अंत संबंधों को निर्धारित करना तीसरा है अधिक प्रभावी मूल्यों की स्थापना अब पांचवा वर्ग है वो क्या है मूल्य का चरित्रीकरण या विशेषीकरण इसमें क्या होता है कि यह भावात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च उद्देश्य होता है इस स्तर तक पहुंचते पहुंचते विद्यार्थी मूल्य रुचियों अभिरुचियों आदि का अनुभव प्राप्त कर चुका होता है ठीक है तो इसको इसमें दो क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है कौन कौन सी सामान्य समुच्चय और विशेषिक? तो इस उद्देश्य में विद्यार्थी में रुचि प्रशंसा अभिवृत्ति मूल्य तथा समायोजन का विकास होता है तो ये क्या था दूसरा वाला भावात्मक भी आपने समझ लिया है अब लास्ट में है क्रियात्मक उद्देश्य क्रियात्मक उद्देश्य में शैक्षणिक शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में इसका बहुत महत्व है क्रियात्मक उद्देश्य का संबंध विद्यार्थियों के शारीरिक प्रशिक्षण तथा कौशलो कौशलो मीन स्किल्स के साथ है जीवित रहने के लिए शारीरिक शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है बच्चे आ, के व्यवहार के इस क्रियात्मक या मनो शारीरिक पक्ष में संबंध समन्द, से संबंधित उद्देश्य का वर्गीकृत करने का सबसे पहला प्रयत्न सिम्पसन ने 1966 द्वारा किया गया है बाद में हैरो ने 1972 में इससे आगे कुछ विकास किया है वास्तव में हैरो ने इन उद्देश्यों को छह वर्गों में विभाजित किया है और विद्यार्थी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए चलना तथा ग्रहण करना आवश्यक है ये उद्देश्य विद्यार्थी की शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कौशलों के विकास से संबंधित है तो क्रियात्मक क्षेत्र के मुख्य स्तर निम्नलिखित है वो कौन कौन से हैं उद्दीपन पहला है उद्दीपन दूसरा है कार्य करना तीसरा है प्रकृतिकरण चौथा है नियंत्रण और पांचवा है तालमेल और छठा है आदत निर्माण ठीक है तो ये क्या थे आपको व्यवहार परिवर्तन को तीन वर्ग थे आपको ये समझा दिए है अब चलते हैं ब्लूम उपागम की उपयोगिता तो जो ब्लूम उपागम है उसकी उपयोगिता क्या क्या है <coughs> पहला इसमें शैक्षिक अधिगम के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन में निकट का संबंध स्थापित किया जाता है दूसरी उपयोगिता इसमें शिक्षण विधियों युक्तियों और प्रयोग किए जाने वाले शिक्षा उपकरणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है तीसरा यह वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक है चौथा इसमें व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन किया जाता है पांचवा इसमें अध्यापक और छात्रों की क्रियाएं सुनिश्चित होती है छठा इसमें अध्यापक भटकता नहीं है वह अपनी भूल को सुधार सकता है सातवां अध्यापक का शिक्षण व्यवस्थित रहता है तो क्या था ये ब्लूम उपागम की उपयोगिता इसमें आप गुण में भी इसको डाल सकते हैं तो अब इसका दोष गुण के साथ क्या है दोष तो दोष क्या है ब्लूम उपागम के दोष इसमें तो पहला है कि इसमें अध्यापक की सारी शक्तियां व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन करने में व्यय हो जाती है नष्ट हो जाती है दूसरा तीस चालीस मिनट में बच्चों के व्यवहार परिवर्तन का पता लगाना क्या हो जाता है असंभव है तीसरा है इसमें अध्यापक को पर्याप्त परिश्रम करना पड़ता है और चौथा इसका दोष है कि इसमें मानसिक योग्यताओं की ओर दृष्टिपात नहीं किया जाता है तो ये था इसका दोष अब लास्ट में हम पढ़ते हैं ब्लूम के आधार पर पाठ योजना तो कौन कौन सी पाठ योजना आ, तो आ, जैसे मैंने आपको पहले इसमें समझाया था हर्बर्ट हर्बर्ट का पंचपदीय उपागम उसी तरह से ये भी है तो पहला क्या चलता है दिनांक दूसरा अध्यापक का अनुक्रमांक कक्षा विषय उप विषय कालांश अवधि छात्र की औसत आयु शिक्षण लक्ष्य प्रारंभिक व्यवहार प्रस्तावना उद्देश्य कथन प्रस्तुतिकरण तो अब प्रस्तुतिकरण के बाद क्या चलता है शिक्षण बिंदु इसमें शिक पहला होता है शिक्षण बिंदु दूसरा अध्यापक की क्रियाएं तीसरा छात्र की क्रियाएं चौथा शिक्षण विधि एवं साधन और पांचवा मूल्यांकन अब आता है पुनरावृत्ति और गृह कार्य ठीक है तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा तो आज हमने पढ़ा ब्लूम का मूल्यांकन उपागम थैंक यू